मैड मैक्स की आप कमी हुई फ्यूरिसा ए मैड मैक्स सागा का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, मतलब एक हफ्ते पहले आया था सही। सो आज हम उस ट्रेलर के ऊपर रिव्यू एंड रिएक्शन करेंगे, ट्रेलर कैसा है देखेंगे, इसके बाद थोड़ा बहुत बात भी करेंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू स्माइट विजनर्स, माय नेम इज हारूंगरा बुरगेरी। वीडियो को इंटरेक्टिव के पूछना है तो लाइक कीजिए, पूछना है डिसलाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइए गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। One, two, three, let's start. George Miller. Whatever you have to do. However long it takes. Promise me you'll find your way home. Furiosa. Give me this promise. Forty-five years after the collapse, a young Firuza is taken from her family. She will devote the rest of her life to finding her way home. This is her odyssey. Wow, just in a year. Start your engines. Of angels. The question is, do you have it in you to make it happen? हमने रिएक्शन तो कर लिया, अब हम इस मूवी के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। मूवी जो है ना एक प्रिक्वल मूवी, किसका प्रिक्वल मूवी, मैड मैक्स फ्यूरी रोड का। मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 में आया था। प्रिक्वल का मतलब क्या होता है, आगे की कहानी। मैड मैक्स फ्यूरी रोड की आगे की कहानी होगा, बाद की कहानी नहीं होगा, आगे की कहानी। मैड मैक्स फ्यूरी रोड में भी कौन था, फ्यूरीसा था। तो यहाँ पर फ्यूरीसा के साथ बचपन में क्या क्या हुआ वो सब कुछ रहेगा। यहाँ पर ट्रेलर में देखा गया फ्यूरिसा को कुछ गुंडे लोग उठा के रखे जा रहे हैं, कुछ ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं उसके साथ। और उसने किसी से वादा किया था कि अपना घर ढूंढेगा, वैसा वैसा किया था ना उसने, यहाँ पर लिख के भी दिया गया है ट्रेलर में। तो यहाँ पर फ्यूरिसा की बहुत सी कहानी रहेंगे, ये बचपन की कहानी रहेंगे और यंग एज के भी कहानी रहेंगे। तो मज़ा आएगा देखने में, मुझे देखकर ही लग रहा है ट्रेलर, देख कर ही खतरनाक लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है ट्रेलर ही, बड़ा ही दरअपना लग रहा है वो, पूरा एक्शन रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कौन रहेगा, हमारे और भाई साहब जिसका नाम है क्रिस हेम्सवर्थ, वो मेरे ख्याल से विलेन होगा, देख कर ही लग रहा है। वो किसको लीड करता है, इसका एक गुंडे का ग्रुप है जिसका नाम है बाइकर हॉट, बाइकर हॉट देखो वो लीड करेगा, क्रिस हेम्सवर्थ उसका लीडर है मतलब। और ये आने वाला मैड मैक्स मूवी जो है ना, ये मैड मैक्स फ्रेंचाइज की फिफ्थ मूवी है, मतलब फास्ट बी मूवी। इसको लेकर इन लोगों का मूवी कितना होने वाला है, 5 मूवी होने वाला है मैड मैक्स फ्रेंचाइज में। तो मज़ा आएगा देखने में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कास्ट कौन कौन है, डायरेक्टर कौन कौन है, वो सब के बारे में बात करते हैं, राइटर कौन कौन है वो सब के बारे में। तो यहाँ पर कास्ट जो है ना, पहले तो फ्यूरिसा का रोल किसने निभाया था, चार्लेस थेरोन ने निभाया था। आप इस साल जो आने वाला मैड मैक्स है ना, ये आने वाला मैड मैक्स फ्यूरिसा का रोल कौन निभा रहा है, अनिया टेलर जॉय,
क्या नहीं बारा है, फिर ऋषा का रोल नहीं बारा। और यहाँ पर ना हमारी जो क्या है इमोर्टन जो, इमोर्टन जो का भी बचपन की मतलब यंग एज की कहानी रहेगा यहाँ पर। मतलब इमोर्टन जो को हमें यंग एज में दिखाई देगा यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाई देगा इमोर्टन जो को। यस यहाँ पर इमोर्टन जो की कुछ भी कहानी रहेगा ज़्यादातर, बट कुछ भी कहानी रहेगा बट थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। ट्रेलर में भी दिखेगा ना इमोर्टन जो को, तो यहाँ पर इमोर्टन जो के यंग एज भी रहेगा यहाँ पर, क्योंकि सब लोग यंग ही रहेगा वहाँ पर। इसके बाद जो वारलॉर्ड डेमोंटस जो है ना, इसका रोल कौन निभा रहा है, क्रिस हेम्सवर्थ, हमारा थोर भाई मार्वल इंडस्ट्री की थोर, सो वो ही निभा रहा है क्रिस हेम्सवर्थ। वहाँ पर ना थोर की तरह भी ड्रेस पहन रहा है ना वो, वहाँ पर थोड़ा बहुत थोर की तरह भी देख रहा था ना यहाँ पर ट्रेलर में देखने को मिलेगा आप सबको। तो क्रिस हेम्सवर्थ होगा वारलॉर्ड डेमोंटस, जो एक विलन का रोल निभाएगा, विलन होगा वो। किसको लीड करता है वो, बाइकर हॉल्डे को वो लीड करता है वारलॉर्ड डेमोंटस। इसके बाद कौन रहेगा खास में, इसके अलावा भी टॉम बुर्के है, वो सब कुछ रहेगा। और राइटर और डायरेक्टर तो मालूम है कौन, किसने लिखा है, जॉर्ज मिलर नहीं है, वो सब नहीं। मैड मैक्स फ्यूरी राइड की जितनी भी मूवी है, फ्रेंचाइज की जितनी भी मूवी है, ज़्यादातर मूवी को उसने भी लिखा है और रिटन भी किया है, और डायरेक्ट भी उसने ही किया है, जॉर्ज मिलर ने ही। तो मज़ा आएगा देखने में। रिटेन दो है, निकोलाटोरिस ने भी लिखा है, सो इस दोनों ने इस आने वाली जो मैडमैक्स की मूवी है वो सबको लिखा है। तो मैंने बता दिया गाइस कैसा होगा मूवी, तो मूवी में देखने में मज़ेदार होगा। और मूवी कब निकलेगा, 2024 में ये मूवी निकलेगा, तो मज़ा आएगा देखने में। गेट रेडी फॉर टू वॉच दिस मूवी, अगर आप मैड मैक्स फ्रेंचाइज की बिग फैन हो तो देखिएगा जरूर 2024 में। तो इस बार भी 2024 साल बड़े अच्छे से जाएगा, शायद बड़ी अच्छी अच्छी मूवी आएगा, देख कर लग रहा है मुझे। बहुत ट्रेलर पे ट्रेलर आ रहा है, हॉलीवुड का भी बॉलीवुड का भी खतरनाक ट्रेलर आ रहा है, तो मज़ा आएगा देखने में। तो गाइस मैंने बता दिया कि ये मूवी कैसा है, मतलब किसका कहानी कैसा होगा और ये किसका प्रिक्वल मूवी है, मैंने आप सबको बता दिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके जाइए। अगर और क्या हो ना, अगर आप मैड मैक्स फ्रेंचाइज़ की बहुत बड़ी फैन हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना गाइस। सो आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म, टाटा बाय बाय। और अगर मेरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और या आप सबको बताने में कुछ गलत हुआ तो माफ कर देना गाइस। सो खत्म, टाटा बाय बाय।